हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लेसन नंबर 5, कोल एंड पेट्रोलियम ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, साइंस टेक्स्ट बुक। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। हमने काफ़ी सारे मटेरियल्स यूज़ किए हैं जो हमारे बेसिक नीड्स में हैं। कुछ हमें नेचर में से मिले हैं और कुछ ह्यूमन एफर्ट्स मेथड मेड बाय ह्यूमंस। सो कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 8, सॉरी वाटर इन क्लास 7। इज वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स? इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू 2 काइंड्स। मीन्स एयर जो है, सॉइल जो है, वो एग्जॉस्टेबल है, एग्जॉस्टेड है ह्यूमन एक्टिविटीज से। सो हमने लेसन नंबर ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लासेस में भी हमने लेसन ये रीड किया है कि वाटर जो है वो लिमिटलेस रिसोर्स है, और लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, और लाइट की अवेलेबिलिटी हमारे नेचर में से हमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज में से मिलेगी। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू 2 काइंड्स। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Examples are sunlight and air. ऐसे resources जो कि unlimited है उसकी quantity nature में and are not likely to be exhausted by human activities, that is sunlight and air. Now exhaustible natural resources, the amount of these resources in nature is limited. कुछ इसका जो amount है वो limited है. They can be exhausted by human activities. Example of these resources are forest, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कॉल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा हम उसे यूज़ करते हैं। एज्यूम दैट द ईटेबल्स इन द कंटेनर प्रेजेंट इन द टोटल अवेलेबिलिटी इन एग्जॉस्टेबल नेचर रिसोर्स लाइक कॉल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ईटेबल चीज़ हो, मीन्स ईटेबल थिंग्स हो जो हम खा सकते हैं, और ऐसे भी एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कॉल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ईच ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न। हर चीज़ का कंजप्शन पैटर्न डिफरेंट है। Are earlier the generations of any group too greedy? It may be that the earlier generations in some groups were concerned about the coming generations. वो इतने greedy भी नहीं थे क्योंकि वो लोग concerned थे हमारे जो new generations के लिए and left something for them, और दूसरों के लिए वो लोग बचा के गए। In this chapter we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas. These were formed from the dead remains of living organisms, fossils. और वो हमें डेड मीन्स डेड ऑर्गेनिज्म से और मिलेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म से लाइक फॉसिल्स। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स, और इसीलिए हम उसे फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वो। सो हियर इज़ अ 5.1 कोल। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट इन फिगर 5.1। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। कोल जो है वो हार्ड एंड स्टोन है और ब्लैक इन कलर है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड अर्लियर। It was used in railway engines to produce steam to run to the engine. It is also used in thermal power plants to produce electricity. Coal is also used in fuel in various industries. Now, coal जो है वो हमें fuel की तरह है, वो fuel है, is used as fuel. वो हमें food को cook करने में help करता है, railway में engines में steam produce करने में help करता है, thermal power plants में electricity produce करता है. So, coal जो है वो use होता है as a fuel in various industries. About 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas. Due to natural processes like flooding, this forest got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The dark temperature, the temperature also rose as they sank deeper and deeper. Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted to coal. As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization, since it was formed from the remains of vegetation. Coal is also called as fossil fuel. A coal mine is shown in figure 5.2. 300 million ago, years ago, earth had dense forest. Earth ke paas ek dense forest tha, wetland tha. Due to natural processes of flooding की वजह से natural forest got buried under the soil. As more soil deposited, जैसे कि जैसे soil उसमें deposit होते गया, they were compressed, और temperature जो है उसका रोज sank होता गया deeper and deeper. Under high pressure, high temperature, dead plants जो है वो
कोल में कन्वर्ट हो गया। कोल कंटेंट्स मेनली कार्बन, ज़्यादा से ज़्यादा वो कार्बन कंटेन, उसमें कार्बन कंटेन मटेरियल है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, और प्रोसेस ऑफ डेड वेजिटेशन जो प्रोसेस है कि डेड वेजिटेशन जो है वो कन्वर्जन हो जाता है कोल में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, और वेजिटेशन से बना है कोल, इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल, और कोल जो है उसे हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। सो कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2, हियर इट इज अ कोल माइन, दिस इज अ पेज नंबर 58 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, यू कैन सी हियर दिस इज द कोल माइन। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज चॉक, कोल टार एंड कोल गैस। हम हीट करते हैं कोल, जैसे ही बर्न होता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मेनली प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इंडस्ट्री में हम प्रोडक्ट्स ऐसा यूज़ करते हैं जैसे कोक है, कोल है, टार है और कोल गैस। नाउ कोक, इट इज़ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है कोक। इज़ यूज फॉर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, स्टील को प्रोड्यूस करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में हम कोक का यूज़ करते हैं। नाउ कोल टार, इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल है जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार आर यूज द स्टार्टिंग मटेरियल्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर वेरियस सब्सटेंसेस यूज इन एवरीडे लाइफ इन इंडस्ट्री। हम एवरीडे लाइफ में हम उसे यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में, लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। इंटरेस्टिंगली, नेफ्थलीन बॉल्स यूज टू रेपेल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार। दिस डेज बूटामेन आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेल्टिंग द रोड्स। बूटामेन हम यूज़ करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो रोड को मेल्ट करता है। कोल गैस, कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक, इट इज़ यूज एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स में वो आपको मिलेगा। कोल गैस वॉज यूज टू स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन, स्ट्रीट लाइटिंग में उसे यूज़ किया गया था लंडन में 1810 में, इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820, न्यूयॉर्क में 1820 में उसे यूज़ किया गया था। नाउ डेज इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट रदर देन लाइट, सोर्स ऑफ हीट में उसे यूज़ करते हैं। नाउ दिस इज योर पेट्रोलियम, यू नो दैट द पेट्रोल इज़ यूज एज अ फ्यूल, लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड कार्स, हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल, जो हैवी व्हीकल्स है वो डीजल में रन करते हैं, बट लाइट ऑटोमोबाइल्स है जैसे कि साइकिल है, स्कूटर है, कार्स है, ये सारे पेट्रोलियम बेस्ड हैं। लाओ, पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम, और पेट्रोल और डीजल जो है वो नेचुरल रिसोर्स है एंड दैट जिससे हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा रॉक एंड ओलियम ऑयल, इज इट इज अ माइन फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन इन फिगर 5.4। दिस इज फिगर 5.4, यू कैन सी हियर, ये रिजर्वर रॉक है, ये वाटर है, ये ऑयल है, ये गैस है, इम्परवियस रॉक है, ये वेल्स है, इसमें से हम बाय ट्यूब हम ये सारा मटेरियल हम इसमें से निकालते हैं। सो डू यू नो पेट्रोलियम इज फॉर्म, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड एज ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गेट कवर्ड विथ लेयर्स एंड सैंडी एंड क्ले। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, मीन्स पेट्रोलियम जो है सी के अंदर जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं जब वो बॉटम लेयर में शिफ्ट हो जाते हैं और वो सैंड और क्ले से कवर्ड हो जाते हैं और उन्हें प्रॉपर एयर नहीं मिलती है, टेम्परेचर नहीं मिलता, हाई प्रेशर ऑफ ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम नेचुरल गैस और वो कन्वर्ट कर देते हैं। इट शोज द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल और गैस इज ऑब्टेन्ड देन ऑफ वाटर। Why is it so? Recall the oil, that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. और oil और water जो है, oil जो है वो water से lighter है, इसलिए वो उसमें mix नहीं होता। The world's best oil was drilled in Pennsylvania, USA in 1859. पेनिसिल्वेनिया USA में 1859 में फर्स्ट ऑयल हमें मिला था, वेल मिला था। एलाइट ईयर्स लेटर इन 1867
ऑयल वॉज स्ट्रक इन मकाम इन आसाम. ऑयल जो है हमें मिला था मकाम इन आसाम में. इंडिया ऑयल इज फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेजिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. और हमें रिवर बेजिन में गोदावरी और कृष्णा के वहाँ हमें मिलता है. नेक्स्ट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, इट इज एन अनप्लीजेंट ऑर्डर. इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा. पेट्रोलियम जो है वो डार्क ऑयली लिक्विड है, उसमें उसकी अनप्लीजेंट ऑर्डर है, जो कि उसकी जो स्मेल हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स. उसका मिक्सचर जो है बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स से बना होता है, जैसे कि गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेंट ऑयल है, पैराफिन वैक्स है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग. अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स को हमें मीन सेपरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग पेट्रोलियम. इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी. वो हमें पेट्रोलियम रिफाइनरी में से मिलता है. Various constituents of petroleum and their uses are given in table 5.1. Now here is a natural gas. Natural gas is a very high important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. Natural gas जो है वो easy to transport through pipes है, हम उसे transport कर सकते हैं easily. Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas CNG. CNG is used for power generation. It is now being used as a fuel for transport vehicles because it is less polluting. हम CNG use करते हैं transportation में vehicles में क्योंकि वो less polluting है. It is a cleaner fuel. The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes. Such a network pipelines exist in Vadodara, Gujarat, some parts of Delhi and other places. Natural gas is also used as starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizers. India has vast reserves of natural gas in our country. Natural gas has been found in Tripura. Means उसके जो pipelines हैं वो वडोदरा में exist करते हैं, New Delhi में काफ़ी सारी places पे हैं. Natural gas के काफ़ी सारे means manufacture number of chemical fertilizer, हम उसे chemical fertilizer में भी हम use करते हैं. India has vast reserve of natural gas. India में सबसे ज़्यादा natural gas का reservoir है. Our country natural gas has been found in Tripura. नेचुरल गैस हमें त्रिपुरा में मिला था, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड द कृष्णा गोदावरी डेल्टा. सो लेट अस सी द लिस्ट ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस. पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, एलपीजी फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, पेट्रोल मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, कैरोसिन फ्यूल फॉर स्टव्स, लैंप्स और फॉर जेट एयरक्राफ्ट, डीजल फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन, पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन एक्सेट्रा. बिटुमेन, बिटुमेन जो है पेंट्स में रोड सर्फेसिंग के लिए हम यूज करते हैं. सो हियर बूझो, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फॉर्म फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म? नो, देयर इज फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी. ये सारे नेचुरल है, नेचुरल रिसोर्सेस है, तो हमें नेचुरली ही वो मिलते हैं. सो सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. यू हैव स्टडीड इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एग्जॉस्टिबल फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा. यू नो दैट द कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स. इट इज रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इन टू दिस फ्यूल्स. ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स ऑफ दिस विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स. मोर ओवर बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन. इन सारे फ्यूल्स को अगर हम सालों साल हम यूज़ करेंगे, वो बर्न होगा तो एयर पॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा. देर इज़ ऑल्सो यूज टू ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग में भी वो लिंकअप करेगा. इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दिस फ्यूल्स ओनली वैन एब्सोल्यूट नेसेसरी. जब हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है तभी हम उसका यूज़ करें. दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA advises people how to save petrol diesel while driving. Their tips are, means जब हम ड्राइव करते हैं तो हम उसे कैसे बचा सकते हैं. सो ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल. एक कॉन्स्टेंट स्पीड पे या कम स्पीड पे आप उसे ड्राइव कीजिए. स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स. इंजन को स्विच ऑफ कर दीजिए और एट अ प्लेस वेर यू हैव टू वेट और ऐसी प्लेस पे जहाँ आपको रुकना पड़े. एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर.
टायर प्रेशर आपका करेक्ट हो, एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और मेंटेनेंस आप रेगुलरली उसका करते रहें तो ही आपका व्हीकल अच्छे से चलेगा और पेट्रोल भी आपका ज़्यादा यूज नहीं होगा। नाउ दिस इज द योर लेसन नंबर 5 इज फिनिश्ड। कोल एंड पेट्रोलियम, दीज आर द कीवर्ड्स, कोल, कोल गैस, कोल टार, चोक, कोक, फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरी। वॉट यू हैव लर्नड, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स। Fossil fuels were formed the dead remains of living organism millions of years ago. Coal, petroleum जो है वो natural gas है, fossil fuel है। Fossil fuel कैसे बनता है कि वो dead remain living organism जो है millions of years ago वो means वो dead हो जाते हैं, तो उसके natural process से वो fossil fuel बनते हैं। Fossil fuels are exhaustible resources, fossil fuels जो है वो exhaustible resources है। Coke, coal, tar and coal gas are the products of coal. Coke है, coal tar है, coal gas है, ये सारे products है coal के। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल और ऑप्टेन बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम, और ये सारे मटेरियल्स जो हमें रिफाइनिंग पेट्रोलियम से मिलते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, वी शुड यूज दैम जुडिशियसली, मीन्स हमें उसे प्रॉपरली यूज करना चाहिए क्योंकि वो कम है। सो हियर इज अ लेसन इज फिनिश, इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, लेसन नंबर 6. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned to learn next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.